पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं। इनमें नया नाम बगावती तेवर दिखा रहे विधायक शुभेंद्र अधिकारी का है। उन्होंने बुधवार को असेंबली सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शुभेंद्र पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से विधायक हैं। उन्होंने पिछले महीने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। शुभेंद्र कुछ समय से पार्टी की लीडरशिप से दूरी बनाकर चल रहे थे। शुभेंद्र पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम पार्टी के साथ ममता के लिए भी झटका है। 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जाएंगे। ऐसी अटकलें हैं कि इसी दौरान शुभेंद्र भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टी के नेता भी उनके स्वागत की बात कर रहे हैं। शुभेंद्र के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस्तीफा की खबर सामने आने के बाद प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता उनके साथ स्वागत की बातें करने लगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि यह तो होना ही था। कई विधायक पहले भी टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं उपाध्यक्ष मुकुल राय ने कहा कि जिस दिन शुभेंद्र अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, मैंने कहा था कि अगर वो टीएमसी छोड़ देंगे तो उनका स्वागत करते हुए मुझे खुशी होगी। आज उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्ते की तरह ठह रही है। पार्टी से हर रोज कोई ना कोई हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है। शुभेंद्र अधिकारी मिदनापुर जिले के बड़े नेता माने जाते हैं। उनका परिवार कई साल से सियासत में है। शुभेंद्र के पिता कांग्रेस से विधायक और सांसद रह चुके हैं। वे यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे और अभी तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं। शुभेंद्र खुद लगातार विधायक और सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हैं। पहली बार उन्होंने 2006 में विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद 2009 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीते। इसके 2014 में भी अपनी सीट पर कब्जा जमाया। 2016 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत कर परिवहन मंत्री बने। शुभेंद्र के एक भाई सांसद और दूसरे नगर पालिका अध्यक्ष है। इस परिवार का 6 जिलों की 80 से ज्यादा सीटों पर असर है।